नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। क्या मोदी सरकार तानाशाह वाली सरकार है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की नई नई नीतियां और फैसले जनता के मन में आक्रोश पैदा कर रहे हैं? क्या मोदी राज में देश की जनता पिस रही है? क्या साल 2024 में जनता फिर एक बार मोदी सरकार पर विश्वास कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब वर्तमान में चल रही देश की स्थिति को देखते हुए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अब तक मोदी राज में जनता ने क्या पाया और क्या नहीं। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब कल ही की बात ले लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कल अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ। इस स्टेडियम को अब तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, पर अब इसका नाम बदल दिया गया है। कल ANI के दो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर कल पूरा दिन छाए रहे। ANI ने कल सुबह 11:36 पर एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरदार पटेल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:08 पर ANI का एक और ट्वीट सामने आया जिसके मुताबिक सरदार पटेल स्टेडियम की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से सरदार पटेल स्टेडियम को संबोधित किया जा रहा था। अचानक से स्टेडियम का नाम बदलने की खबर जैसे ही सामने आई तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग काफी अजरज में दिखाई दिए। साथ ही सरकार के इस कदम पर भी कई सवाल जहन में उठने लगे कि क्या जीवित व्यक्ति पर ऐसे सार्वजनिक जगह का नाम रखना क्या उचित है? साल 1993 में बने सरदार स्टेडियम का अचानक नाम बदले जाना काफी हैरत में डालने वाला है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया। मोदी सरकार के इस कदम पर देश के तमाम स्वतंत्र पत्रकारों ने इसकी जमकर आलोचना की। अपने ट्वीट के माध्यम से मोदी सरकार के इस फैसले पर पत्रकारों ने कई सवाल दागे। पत्रकार अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए सरकार के इस फैसले को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट का नाम भी अब मोदी गेट के नाम पर रख देना चाहिए, राजपथ का नाम मोदी पथ, प्रधानमंत्री मंत्री निवास का नाम मोदी निवास, हर जगह मोदी मोदी होना चाहिए क्योंकि। वहीं पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कहा, सरदार सरदार का राग अलापने वालों ने स्टेडियम से पटेल को तो हटा दिया, अब नोटों से बापू को हटाने की बारी है। वहीं कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया, क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली भाजपा अब सरदार साहब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। इस तरह सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के इस कदम की जमकर किरकिरी हो रही है। साथ ही सरकार के तानाशाही रवैयों को भी ये चीज दिखा रही है। अब देखना बाकी है कि ये मुद्दा आगे कितना तूल पकड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार। शुक्रिया।